Hello everyone, this is Pavan Sharma and guys, I welcome you all to my channel. Oh friends, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जो रहेंगे 4th of March and the day would be Thursday. एक छोटी सी एडवाइस, स्टॉक मार्केट में आए हैं दो चीजों का ध्यान रखिएगा. जितने रूल बनाने बना लीजिए, सेविंग योर कैपिटल रूल नंबर वन रहेगा. दूसरा, एग्जिट्स को फोकस करना शुरू कर दें क्योंकि एग्जिट्स ही आपको रूल नंबर वन फॉलो करने पे मजबूर करते हैं. सो प्लीज स्टार्ट सेविंग योर कैपिटल. आज पैसा बचेगा कल ही इन्वेस्ट कर पाएंगे. आज नहीं है तो आउट ऑफ द मार्केट एंड देन मार्केट इज अ गैम्बल, ये कह के आप सबको समझाना शुरू करेंगे. आगे बढ़ें, बात करें मार्केट डैशबोर्ड के बारे में. आज निफ्टी ने 326 पॉइंट का राइज शो किया है. कल का आपको एनालिसिस याद है, मैंने कहा था निफ्टी जो है वो हल्का सा इनडिसिसिव मोड में खड़ा है, एक बहुत छोटी सी रेंज में. लेकिन बैंक निफ्टी एक स्ट्रांग पोजीशन में खड़ा है जहां पे वो निफ्टी को प्रॉपर मूवमेंट प्रोवाइड कर सकता है. 1000 पॉइंट का राइज इन बैंक निफ्टी और उसकी वजह से हमें निफ्टी में भी एक बड़ा राइज देखने को मिला. इसीलिए कभी कभी क्या होता है, एज अ ओवरऑल मार्केट आपको शायद क्लैरिटी ना मिले, लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्टर भी आपको पूरी मार्केट के बारे में बता सकता है. सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन सेक्टर एनालिसिस आल्सो अलोंग विद द मार्केट मूवमेंट. उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल्स को समझना शुरू करें और उसको थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें अपने ट्रेडिंग सेटअप में. बात करें DIFI के बारे में तो 392 करोड़ का DIFI ने आज बाय किया है और FII ने वंस अगेन 2088 करोड़ का बाय किया है. बात करें अगर मार्केट के मेजर न्यूज अपडेट्स के बारे में, ज्यादा न्यूज नहीं है. पहला न्यूज है जितने भी हमारे शुगर कंपनीज हैं आज सबने राइज शो किया है, सबके स्टॉक्स में हमें गेन देखने को मिला है. उसका रीजन है कि हमारा जो शुगर है वो एक्सपोर्ट ज्यादा होने लगा है और ग्लोबल मार्केट में भी शुगर का प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है. तो अच्छी बात शुगर इंडस्ट्री के लिए, बुरी बात हमारी चाय अब धीरे धीरे महंगी हो जाएगी. अगले बारे में फॉर्जिंग कंपनीज, आज है 3rd of March, यूएस का ऑटो सेल्स का नंबर आया था, 1st March को हमारा आया था. यूएस ऑटो सेल्स में ट्रक्स का ट्रिपल फोल्ड सेल्स वॉल्यूम देखने को मिला है और उसकी वजह से जितने भी फॉर्जिंग कंपनीज हैं आज उन सब ने एक अच्छा राइज पोस्ट किया है. बात करें MTAR जो टेक्नोलॉजीज का आज IPO आया है, वो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है पहले ही दिन. इसीलिए अगर आपने मिस कर दिया है तो आने वाले दो दिन और बचे हैं हमारे 4th और 5th, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं. बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से आई वुड से और ग्रे मार्केट में थोड़ा सा अभी से प्रीमियम पे आना शुरू हो गया है, तो अगर आपको मिल जाता है तो आई वुड से एक अच्छी अर्निंग, थोड़ा सा क्विक मनी जिसको आप कहते हैं वो मिल सकती है. अभी हमने लास्ट किया था रेलटेल का, रेलटेल ने आज, मैंने रेलटेल को एग्जिट किया है 68% के राइज पे, ऑलमोस्ट पैसा डबल ही हो गया है. 14,000 इन्वेस्ट किया था, 10,000 के अराउंड मैंने उसे कमा लिया है, विच इज ऑल गुड. आगे बढ़े, क्वेश्चन ऑफ द डे, फिर से स्विंग ट्रेड्स के बारे में. आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते थे स्विंग ट्रेड्स को लेकर, बहुत सारे आप कहते भी थे कि स्विंग ट्रेड्स हम जो इंट्राडे पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ योर जॉब एंड ऑल, इसीलिए हम स्विंग ट्रेड्स में एंटर करना चाहते हैं तो मैं आपको स्विंग ट्रेड दूं. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे YouTube चैनल पे जाना पड़ेगा. वहां पे आप होम वीडियो, एक कम्युनिटी टैब आता है कम्युनिटी का, जो उस पर आप जाएंगे और वहां पे आपको मेरे दिए गए हुए स्विंग ट्रेड्स मिलना शुरू होंगे. आज मैंने आपको दो स्विंग ट्रेड प्रोवाइड किए हैं, यूफ्लेक्स और फ्लोरोकैम. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, जो भी प्राइस मैं आपको यहां दूंगा उन्हीं प्राइस पे आपने बाय करना है. अर्ली एंट्री करेंगे उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फ्लोरोकैम की बात करें तो आज उसने एक बड़ा राइज दिखाया है लेकिन हमारे एंट्री से थोड़ा सा मिस कर गया, विच मींस अब आपको लगेगा यार इतना बड़ा राइज हो गया, हमारा एंट्री पे आ जाता तो मिस कर दिया आपने उससे, और आज आपने मिस किया है तो कल आप प्री मैच्योर एंट्री में एंटर कर लेंगे और वहां पे आपने हाई पे खरीदा और स्टॉक नीचे चला गया. इसीलिए जल्दबाजी ना करें, जो लेवल्स प्रोवाइड किए गए हैं उन्हीं पे फोकस करें, उनके पीछे रीजंस होता है. स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास होता है, उस लेवल के बाद में स्टॉक का फॉल करने के चांस ज्यादा हो जाते हैं. काफी सारे टेक्निकल एनालिसिस के बाद में वो ट्रेड्स आपको दिए जाते हैं. सो स्टार्ट फॉलोइंग द स्विंग ट्रेड्स
along with the price mentioned in the community tab. और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं है जहां पे हम आपको लाइव सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मार्केट में, तो आप हमें वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं. ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा जो इस वीडियो के नीचे होता है. बात करें रिकैप के बारे में. रिकैप में फर्स्ट स्टॉक था इंडिगो. हमने सोचा था इट विल गिव अस 1735, लेकिन उसने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स हमारे सेकंड टारगेट से भी ऊपर दिखाया, क्योंकि आज जो है वो सर्विस इंडस्ट्री पीएमआई सर्विस का डेटा आने वाला जो अच्छा आया है, आई थिंक 54 पॉइंट समथिंग आया है अगेंस्ट 50 समथिंग एज कंपेयर टू द जनवरी मंथ. इसीलिए वो डेटा एक्सपेक्ट किया जा रहा था अच्छा आया है, इसीलिए हमने इंडिगो में इतना बड़ा मूव देखने को मिला, क्योंकि इंडिगो सर्विस इंडस्ट्री को भी केटर करता है. बात करें डीएलएफ के बारे में, तो डीएलएफ ने भी बड़ा मूव दिखाया है, ऑलमोस्ट हिटिंग आवर टारगेट्स. विप्रो के बारे में बात करें, विप्रो में हमारा एंट्री यहां था. मैंने कहा आपके जब स्टॉक्स लगातार फॉल करेगा तो उसमें आपको एंट्री नहीं करना, उसके बाद में अगर बॉटम से बहुत ऊपर जाके एंट्री मिलती है तो आपको उसमें एंट्री नहीं लेनी. सो विच मींस नो ट्रेड इन विप्रो. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एंट्री, एंड वी जस्ट गॉट अ वेरी गुड मूव. एटलीस्ट आपको 20 पॉइंट ज्यादा का मूव हमें देखने को मिला इन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, हिटिंग बोथ आवर टारगेट्स, आई वुड से बियॉन्ड द टारगेट्स. बात करते हैं चार्ट एनालिसिस के बारे में, जिनको हम ट्रेड करेंगे वो स्टॉक्स कौन से होंगे जानते हैं. अगर आपको स्टॉक मार्केट को प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना है इन फ्यूचर, तो आपको जो है चार्ट ट्रेडिंग, प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शंस, कैसे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे आपको ये पता करना है कि आज मार्केट में पॉजिटिविटी रहेगी या नेगेटिविटी रहेगी, तो उसके लिए आपके पास में एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए. उसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेक्निकल ऑनलाइन प्रोग्राम पर, जिसमें आपको ये हर चीज़ सिखाई जाती है. लेकिन अगर आपके पास में टाइम कम है, आप नहीं चाहते चार्ट ट्रेडिंग करना, तो आप थोड़ी सी नॉलेज के साथ में, मतलब आज मार्केट ऊपर जा सकता है या मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, उस बेसिस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं. मार्केट रेंज बाउंड हो तो भी आप पैसा कमा सकते हैं. उसके लिए आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीखना पड़ेगा जो हमारे वीकेंड क्लासेस होते हैं. तो अगर आपको दोनों प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानना है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9711411007 टू नो मोर अबाउट ट्रेडिंग प्रोग्राम. तो चलिए वीडियो चार्ट ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ. आज फिर से हम निफ्टी को कल की तरह बैंक निफ्टी के साथ क्लब करके एनालाइज करेंगे. कल निफ्टी में थोड़ा सा नॉन डिसिसिव था, लेकिन बैंक निफ्टी में एक क्लियर था कि अगर इस पॉइंट से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो बड़ी मूव लेगा, यहां से नीचे नहीं गया तो वापस से फॉल करेगा. आज फिर से वही स्टेज है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है. चेंज ये है, अब निफ्टी के पास में मेजर सपोर्ट 15,000 का है, विच मींस निफ्टी अब इससे नीचे गिरने के चांस ऑलमोस्ट जीरो कर दिए है एज ऑफ नाउ, जो हम कल के लिए बात करेंगे. तो इससे नीचे अब निफ्टी नहीं जाएगा, ये अब जो सपोर्ट बिल्ड हो रहा है ये उसको बता रहा है. दूसरी बात करते हैं, बैंक निफ्टी में 37,000 पे जाके अब रेसिस्टेंस प्लेस किया गया है. नीचे की तरफ सपोर्ट स्ट्रांग है, आज की क्लोजिंग है 36,500 के अराउंड. उसके नीचे जो है सपोर्ट हमारे पास मल्टीपल लेवल्स में है, इसीलिए कल भी हम यही देखेंगे कि अगर बैंक निफ्टी 36,500 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करता है और वहां पे कुछ देर रुक जाता है तो हमारे 37,000 के टारगेट्स आसानी से अचीव हो जाएंगे. अगर वहां पे उसने रेसिस्टेंस शो किया, क्योंकि 350 के अराउंड इसकी क्लोजिंग है, तो अगर उसने वहां पे रेसिस्टेंस शो किया, वापस आती है, 350 को ब्रेक कर देती है वापस जो आज की क्लोजिंग है, तो एक बड़ा फॉल वापस आ सकता है. फॉल का मतलब नेगेटिव नहीं, फॉल का मतलब प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर सच बिग मूव्स. इसीलिए कल भी हम 36,500 को ऊपर की तरफ, 36,350 ऊपर जाने के बाद में, अदरवाइज अगर वहीं से नीचे गिरता है तो 36,250 का लेवल हमें सेलिंग प्रोवाइड करेगा. हो सकता है एक बार नीचे आए और ऊपर भागे तो 36,350 फिर से ब्रेक करता है, तो पहला टारगेट 36,500 होगा और फिर से 37,000 का होगा. इसी के अकॉर्डिंगली हमें कल निफ्टी को भी ट्रेड करना है. निफ्टी के पास में अभी 15,000 का मेजर सपोर्ट है और 15,100 का नया सपोर्ट बिल्ड हुआ है. ऊपर की तरफ 15,500 तक के लिए रास्ता क्लियर है. तो कल की क्लोजिंग के ऊपर अगर निफ्टी भागता है तो 15,500 कल के सेशन में आराम से देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो
ऑलरेडी मूव बनी हुई है उसको देखते हुए लग रहा है कि ज्यादा दूर नहीं है 15,500। तो इंट्राडे लेवल मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर रहा हूं, तो अकॉर्डिंगली देख के आप उसको ट्रेड कर लीजिएगा। हमारा पहला पिक होगा भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में ये एक रेसिस्टेंस था जिसको क्रॉस करने की कोशिश की आज, लेकिन वहां से उसको स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देखने को मिला और एक बड़ा सा कैंडल हमें मिला। और इस कैंडल के बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि कल अगर, आज की क्लोजिंग है 6:30, कल अगर 6:25 को ब्रेक किया इसने तो ये कैंडल एक्टिव माना जाएगा और अगला टारगेट जो होगा वो आसानी से आप 600 से लेके 610 का एक ही ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। इसको अपने आप को होल्ड करना है 6:25 के ऊपर ही, हो सकता है ये वहीं रुके और ऊपर भागे और 6:36 को ब्रेक करता है, वहां पे कुछ देर स्टे करता है, तभी हमारे लिए बाय सिग्नल होगा और फिर ऊपर की तरफ 648 से लेके 650 के टारगेट्स आसानी से अचीव हो जाएंगे, इसीलिए हमने भारत फोर्ज को पिक किया है। अगला स्टॉक है हमारा SBI। इस पर बात करने से पहले एक छोटी सी एडवाइस, मैं आपको ट्रेड प्रोवाइड करता हूं, आप कहीं और से देखते होंगे, कभी भी चाहे मैं भी हूं, मैं अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूं, हम जो लेवल आपको बता रहे हैं, मैं जो लेवल आपको बता रहा हूं उसके ऊपर थोड़ी देर वेट कीजिए, ट्रेड करने स्टॉक को ट्रेड करने दीजिए, तभी एंट्री लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। हो सकता है स्टॉक टच एंड रन करे, प्लीज अंडरस्टैंड, जल्दीबाजी में आपको लगता आपके हाथ से मूव निकल गया, अरे कुछ नहीं निकलता। जिंदगी में एक बार ऐसा हुआ होगा आपने टॉप से लेके बॉटम तक का प्रॉफिट निकाला होगा, वरना 99% कभी नहीं निकालते, तो कल क्यों परेशान हो रहे हैं। इसीलिए थोड़ी देर स्टॉक को ऊपर या नीचे ट्रेड करने दीजिए, जो भी बाय सेल लेवल से तभी एंटर कीजिएगा। अगला स्टॉक है हमारा SBI। SBI लगातार जो है 400 को अपने सपोर्ट की तरह यूज कर रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट की बात लगातार चल रही है, PSA को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है, बैंक्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है और कुछ RBI की 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट आया है, तो बैंक्स को और भी कुछ प्रिविलेज मिल गए हैं, इसीलिए मैं फिर से कहूंगा कि PSU बैंक्स में एक बड़ी सी राइज हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन SBI में राइज तब शुरू होगा जब वो 410 के ऊपर जाएगा, फिर शूट अप करेगा 420 के लिए एक ही ट्रेडिंग सेशन में। अगर इसने 400 को ब्रेक कर दिया तो वापस से वही लेवल शुरू हो जाएगा 390 से लेके 385 का, तो 15 पॉइंट नीचे और 10 पॉइंट ऊपर हमें कल देखने को मिल सकते हैं इन SBI, डिपेंडिंग अपॉन वेयर वी विल गेट आवर ट्रेड्स। अगला है हमारा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न बनाया है, सिर्फ मैं कैंडल पैटर्न को देखकर बता रहा हूं आपको, इसमें कोई न्यूज वगैरह को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न बनाया है। अगर ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न जो ये आपके कैंडल देख रहे हैं इसके नीचे अगर ट्रेड करता है और थोड़ी देर बाद रुक जाता है, तो समझ जाइएगा कि ये पैटर्न को एक्सेप्ट कर लिया गया है ट्रेडर्स ने, उसके बाद एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी। और ये कम से कम जो हमारे पास ये लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के अकॉर्ड पास आपको अपना टारगेट देखने मिलेगा, इसीलिए हमने इसको पिक किया है कल के सेशन के लिए। बाइंग के लिए फिलहाल मैं इसको चूज नहीं कर रहा हूं, बाइंग तभी होगा जब ये अपने हाई के ऊपर ट्रेड करेगा, विच इज वेरी फार अवे। अगला ट्रेड है हमारा श्रीराम ट्रांसपोर्ट। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में अगर आप लास्ट के 3 कैंडल देखेंगे, हायर हाई बना रहा है और क्लोजिंग भी हाई कर रहा है। आज का कैंडल डेफिनेटली रेड है, लेकिन अगर आप कैंडल पैटर्न को और उसके क्लोजिंग को देखेंगे तो अगले हाई पे है, लेकिन आज के और कल के जो हाई है दोनों सेम है। इसका मतलब ये कि अगर कोई मूवमेंट शुरू होती है बाइंग साइड में, इस लेवल के ऊपर शुरू होगी जो ये दोनों कैंडल का हाई है। इसको ब्रेक करता है, थोड़ी देर ट्रेड करता है, शूट अप करेगा, आराम से आप कह सकते हैं 1425 तक कल ही देखने को मिल सकते हैं, जैसे आज हमने इंडिगो में देखने को मिले। लेकिन अगर ये अपने इस लेवल को ब्रेक कर देता है, जो ये आप लाइन देख रहे हैं वाली, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तब हमें एक फॉल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि ये जो मूव है सस्टेन नहीं कर पाया एंड अ फॉल हैपेंस। और जब फॉल आएगा तो वो भी बड़ा ही होगा, एटलीस्ट हो सकता है 1300 तक कल ही देखने को मिले, लेकिन रियलिस्टिक टारगेट मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर रहा हूं, अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। और फ्रेंड्स, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मैं हम बार बार आपसे कहते हैं कि वी डोंट चार्ज फॉर आवर टिप्स ऑन आवर टेलीग्राम, सो प्लीज डोंट पे टू एनीबडी। और जो नंबर हम प्रोवाइड करते हैं ये टिप्स के लिए नहीं है, हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उसकी इंक्वायरी के लिए ये नंबर्स अवेलेबल हैं। तो जब आप मैसेज करें तो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए मैसेज कीजिएगा, टिप्स के लिए आप अपना और हमारा दोनों का टाइम वेस्ट करते हैं। और जो बाकी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे नाम पे, उनको भी प्लीज हमें रिपोर्ट कीजिएगा। बाकी कुछ लिंक्स और अवेलेबल होंगे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको भी जाके एक बार आप चेक कर लीजिएगा. और डिस्क्लेमर गाइस दैट ऑल दिस वीडियो व्हिच आई क्रिएट फॉर यू फॉर एजुकेशन पर्पसेस, इफ यू आर टेकिंग इट ऑन माय रिकमेंडेशन, प्लीज डू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स बिफोर टेकिंग दोस.